दहिसर पूर्व राधा कृष्ण हॉल में फर्नांडीज इंस्टीट्यूट की तरफ से नए वर्ष सेलिब्रेशन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने गाना और डांस प्रोग्राम पेश किया। जीते हुए बच्चों को अवार्ड दिया गया तथा आए हुए अतिथियों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर नीलू वाघेला, जॉन फर्नांडीज, मैरी फर्नांडीज, ग्रेसी फर्नांडीज, डॉक्टर एंथोनी फर्नांडीज, शिवसेना शाखा प्रमुख उषा कोरेगावकर, संजय डायस, तन्वी नवघरे, अश्विन दुबे, धीरज सिंह आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर एंथोनी फर्नांडीज ने किया। तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली झमके है रे, तेरे हाथों कंधा झमके, तेरे पैरों पायल झमके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मैं डोले रब्बा रब्बा। This is from me to you, a special, you can open it up. And if you read आज का पेपर अगर पढ़ेंगे तो मेरा फोटो उस पे है, at least around 6 papers पे with this is a small token of love from us to you. जरूर देखिए, अपनी बेटी के लिए लड़ती हूँ, बहुत सारी मस्तियाँ भी है, बहुत सारे messages भी है, emotional scenes भी है। Oh, 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 oh
जमाना न काई करे ते कोने जशीले मुंगे गावी ने संगत जमाना तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं? अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही कि माय सन जो केजर है वो इनका स्टूडेंट है और इन्हीं के जरिए ये मुलाकात हुई है। हम कहते हैं कि हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप मुझे वो सौभाग्य का मौका देते हैं। इन राजस्थानी 300 फिल्म्स किए हैं एंड शी इज आल्सो विन द झलक नच बलिए सीजन 5 कहीं ना कहीं भावो जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी भावो है, एडवोकेट भावो है और बहुत बहुत परेशान करती है अपने दामाद को। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप This is the Ferns Life family and the activities what happened in our institute and also the Limca book certificate is on this. I just need the details of it. Yeah. एक मिनट लाइट चालू होएगा सर। क्लास 8 आशा और मैं क्लास में पहली बार जब गई थी अपने बच्चों को डालने के लिए तो वहाँ की फैसिलिटी देख के मैं इतनी खुश हुई कि मैं अपने बच्चे को वहीं पे डालूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं थी डालने की वहाँ पे। वहाँ की जो फीस थी मैं पे नहीं कर सकती थी, क्यों? क्योंकि साल एक साल की फीस वहाँ इकट्ठा जमा करना पड़ता था और मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं एक साल की फीस इकट्ठा जमा करूँ। मैं 3 बार गई क्लास में, संजय सर और कलेम इससे मिले, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप 3 बार मेक करके आप फीस एक करके जमा कर दें। मैं बोली कि नहीं, मैं मतलब मिडिल क्लास की महिला हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक साल की फीस क्या 3 महीने की फीस की, तीन बार मैं भी एक साल की फीस नहीं जमा कर सकती। फिर मैं अपने बच्चों के लिए दूसरा क्लास के लिए ट्यूशन में पहुँचने के लिए निकली। इत्तेफाक से मैं केसी मिस की क्लासेस में पहुँच गई। मेरा नाम है नीलू वदेना। मैंने स्टारप्लस की सीरियल जो थी दिया और बाती हम पूरे 5 साल और एयर की है, काफ़ी पॉपुलर रहा है वो सीरियल। उसमें मैंने भावों का किरदार निभाया था और अभी मेरी सीरियल सोनी टेलीविज़न पर मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो 11 सितंबर से स्टार्ट हुई है। मंडे टू
फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे उसमें सत्य देवी एक एडवोकेट का कैंप। ये फर्नांडिस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है बच्चों के लिए, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले साल से इस इंस्टीट्यूट में जुड़ी हूँ और जब फर्स्ट टाइम आई थी तब भी बहुत अच्छा लगा था। आज जब आई तो और भी बहुत कुछ जानने को मौका, मतलब जानने का मौका मिला मुझे, क्योंकि देखिए आप सिर्फ सुनते हो लेकिन जब आप खुद आते हो और देखते हो तब आपको पता चलता है कि हकीकत में ये इंस्टीट्यूट कितनी मेहनत करता है। आज अपने घर में हम अपने पड़ोसियों से, अपने मतलब लोगों से बात करने का समय नहीं है, वहाँ एक एक बच्चे पे इतना कॉन्सेंट्रेट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक लक्ष्य दिखाना, उनको बुराई के रास्तों से हटा करके सच्चाई के रास्तों पर चलाना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे, हम उसके लिए ये करते हैं, हमने उसको इतना दान दे दिया। दान देना नहीं होता है, सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा का दान, उसे मार्ग देना, उसकी सोच को बदलना, ये सबसे बड़ा दान है और जो हर कोई कमा नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम में एक बच्चों की तरफ से एक डांस आयोजित किया गया था जिसमें बाल कामगार के बारे में बताया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये कहूँगी कि सबसे पहली बात तो देखिए, हम टेलीविज़न करते हैं तो हमें पता है कि एक्टिंग करना या ये परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत नॉन प्रोफेशनल है, जिनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, उनके सिर्फ इमोशंस जुड़े थे, वो उन बच्चों की पुकार हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और उस पुकार को पहुँचाने में वो सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज फर्नांडिस इंस्टीट्यूट तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित था, इस कार्यक्रम में आपने डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी, थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में आप बताएंगे? पहली बात तो मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, फर्नांडिस सर को, कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे और मेरे कॉलीग को शामिल होने का मौका दिया। और दूसरे सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर हमने डिस्कशन किया डायबिटीज के रिगार्डिंग, जिसका बेसिक ये जो इनिशिएटिव है सेव अ लिम्ब सेव अ लाइफ, इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग आज कोई भी इशू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ के चलते कभी कभी उनके पैरों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि उस पैर को जिसमें इन्फेक्शन हुआ है उसको काटना पड़ता है। अब उस ये होने की वजह से जब हम ये कहते हैं कि पैरों को काटने की नौबत आ जाती है तो प्रॉब्लम ये है कि वो पैर सिर्फ उस इंसान का नहीं कटता है, पूरे फैमिली को उससे असर होता है। और पूरे फैमिली को असर होने का मतलब इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत तकलीफ होती है पूरी फैमिली को। तो ये कोई भी परिवार, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल कभी भी ये चीज़ फेस ना करे, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है श्रीमती गीता अवर नारायण दुबे फाउंडेशन ने, कि जो पैर कटने वाले हैं अगर हम उसे किसी उपचार जिसको MPWT कहते हैं उससे बचा सकते हैं तो। हेलो, रिक्वेस्टिंग ऑल द चिल्ड्रन टू प्लीज स्टैंड इन द लाइन आउट हियर एंड टेक योर बैठ अलग फील हो रहा है। एक मिनट थांबा, तुम तो मैं वेगळे घेतो, तुमचे वेगळे घेतो नाही काय करता। मेरा नाम कोमल मिश्रा है, मैं 8 साल से फर्नांडिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती है।